सब्सक्राइब कीजिए हॉट हिंदी डेस्क चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का उल्लेख चार धामों के रूप में की गई है। जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ के बारे में इस चैनल पर पहले ही बताई गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं द्वारका धाम का रहस्य। द्वारका धाम गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक नगर तथा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। द्वारका धाम भारत के चार धामों में और सप्तपुरी धार्मिक नगरों में से एक है। द्वारका धाम को सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। यह अरब सागर के तट पर जामनगर में स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए थे, लेकिन अपने जीवन का अधिकतर समय उन्होंने द्वारका में बिताया। यहीं बैठकर श्री कृष्ण सारे देश की बागडोर संभाली थी। यहीं से पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं का विनाश किया। द्वारका उस जमाने में देश की राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई गई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा तालाब है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहा जाता है। इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। भक्तगण सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में नहाकर शुद्ध होते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंडदान भी करते हैं। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद भक्तगण इन 5 कुओं के पानी से कुल्ला करते हैं और कृष्ण, गोमती, महालक्ष्मी के मंदिर को पार करके रणछोड़ जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रणछोड़ जी कहा जाता है। मंदिर में श्री कृष्ण की 4 फुट ऊंची मूर्ति है। यह चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की है जिनमें हीरे मोती जड़े हैं और सोने की 11 मालाएं हैं। यह मंदिर 140 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के ठीक सामने जगमोहन है जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। रणछोड़ जी मंदिर के परिक्रमा करने के बाद जगमोहन की परिक्रमा की जाती है। दक्षिण की तरफ बढ़ने पर 6 और मंदिर है। इनमें अंबाजी और देवकी माता के मंदिर खास है। रणछोड़ जी मंदिर के पास ही राधा, रुक्मणी, सत्यभामा और जामुवती के छोटे छोटे मंदिर है। आगे वासुदेव घाट पर हनुमान जी का मंदिर है। आखिर में संगम घाट आता है। यहाँ गोमती समुद्र से मिलती है। इस संगम पर नारायण जी का बड़ा मंदिर स्थित है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कैलाश कुंड मिलता है। इस कुंड का पानी गुलाबी रंग का है। कैलाश कुंड के आगे सूर्य नारायण मंदिर है। इसके बाद द्वारका शहर की पूरब की दरवाजा मिलता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय की मूर्तियां हैं। जय और विजय बैकुंठ में भगवान के महल के चौकीदार है। यहाँ से भक्तगण फिर निष्पाप कुंड पहुँच जाते हैं और इस रास्ते के मंदिरों के दर्शन करते हुए रणछोड़ जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। यही असली द्वारका है। इससे 20 मील आगे कच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। इस टापू पर बेट द्वारका बसा है। गोमती द्वारका का तीर्थ करने के बाद भक्तगण बेट द्वारका जाते हैं। बेट द्वारका के दर्शन बिना द्वारका का तीर्थ
पूरा नहीं होता। बेट द्वारका पानी के रास्ते भी जा सकते हैं और जमीन के रास्ते भी। आगे बढ़ने पर गोपी तालाब मिलता है और यहाँ की जमीन पीली है। इस मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। यहाँ मोर की संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि इस बेट द्वारका नाम के टापू पर श्री कृष्ण अपने घर वालों के साथ घूमने आया करते थे। बेट द्वारका ही वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसी की हुंडी भरी थी। इस टापू में 5 बड़े बड़े महल है। इनमें पहला महल श्री कृष्ण जी का है जहाँ वे विश्राम करते थे। इसके दक्षिण में सत्यभामा और जामवती के महल है और उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल है। बेट द्वारका से 3 मील की दूरी पर सोमनाथ पट्टल है। यहीं पर हिरण्य सरस्वती और कपिला तीनों नदियों का संगम है और इसी संगम में भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था। इस टापू पर 84 धुना नामक एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ने ब्रह्मा जी की सृष्टि संरचना की आज्ञा को न मानकर उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए बेट द्वारका में भी आए। उनके साथ 80 अन्य संत भी थे। इस प्रकार 4 सनत कुमार और 80 संतों को जोड़कर 84 की संख्या पूर्ण होती है। इन्हीं 84 आदि दिव्य संतों ने यहाँ पर 84 धुने स्थापित कर साधना और तपस्या की और ब्रह्मा जी को एक एक धुनी की 1,00,000 महिमा बताया तथा 84 धुनों के फलस्वरूप 84,00,000 योनियां निर्मित करने का सांकेतिक उपदेश दिया। इसी कारण यह स्थान 84 धुना के नाम से विश्वविख्यात है और ऐसा माना जाता है कि 84 धुनों के दर्शन करने से मनुष्य की 84,00,000 कट जाती है, यानी उसे 84,00,000 योनियों में भटकना नहीं पड़ता है और वह मुक्त हो जाता है। रणछोड़ जी मंदिर सुबह ही खुल जाते हैं और 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 4 बजे खुलते हैं और रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। आपको बताते चलें कि रणछोड़ मंदिर से 2 मील की दूरी पर शंख तालाब है। इसी जगह श्री कृष्ण ने शंख नामक राक्षस को मारा था। इसके किनारे पर शंख नारायण का मंदिर है। शंख तालाब में नहाकर शंख नारायण के दर्शन करने से पुण्य मिलता है। रणछोड़ जी मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी समय से वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने द्वारिका के रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। शोध के दौरान समुद्र की गहराई में छोटे बड़े पत्थर मिले और यहां से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइनिंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।